कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए भैया दूज और कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए भैया दूज और गोवर्धन की पूजा की। विकास नगर और घोष कंपनी में आयोजित गोवर्धन पूजा में महिलाओं ने अन्नकूट के साथ बड़े ही भक्तिभाव में गोबर से गणेश भगवान की प्रतीकात्मक प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की। जैसे कि मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकीय जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब संबंधों से छुटकारा पा गए और सबके सब यहां अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज को सुख पहुंचाने वाला था, इसलिए ये तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। पौराणिक मान्यता है कि जिस तिथि को यमुना ने यम को अपने घर भोजन कराया था, उस तिथि के दिन जो मनुष्य अपनी बहन के हाथ का उत्तम भोजन करता है उसे उत्तम भोजन समेत धन की प्राप्ति भी होती रहती है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए पूजा करने वाली महिलाओं ने कहा, पापा नोट टूट गया। हाथ लगा लीजिए, हैं हम लोग फोटो हम प्रबंध तो उधर फोटो पर और करो और करो इधर। हाँ ठीक चेहरा है अरे यार राजा थे, उनके साथ लड़के थे। एक लड़की थी, लड़की का नाम सुनचिरैया था। सुनचिरैया बड़ी दुबारी थी, भाई लोग समझाएं जरा कमाओ आए बहनों अपने पत्नियों को घर बहन को छोड़ के घर नहीं सताने। एक दिन के लिए जाओ तुम चावल धान दे करके जाओ तुम बिना ओखल और मुखर के धान कूद के ले आओ। तो बहन गई अपना जंगल में रोने लगी बिना ओखल मुसल कैसे धान तब उसके आज कोरोना नहीं है, कोरोना भग गया। खुद जाओ आ जाओ आओ अरे पूजो नहीं तो कर तुमने कितना है भगवान गोवर्धन पूजा है। आज के दिन सारी महिलाएं मिलकर के इसको मनाती हैं। मूल रूप से तो ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली से जुड़ा हुआ है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत आज के दिन उठाया था और कहीं ना कहीं हमको ये संदेश दिया था कि हम प्रकृति की पूजा करें। लेकिन यहाँ बहनें जो आज आकर के पूजा करती हैं वो अपने भाइयों के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। कहा यह जाता है कि यम की बहन थी यमुना। यमुना हमेशा यम को बुलाती थी। यम कहते थे कि मतलब ये हमको यम को तो कोई बुलाना ही नहीं चाहता है। यम तो मृत्यु के देवता होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बहन इतना प्रेम कर रही है कि हमको स्वयं बुला रही है। तो एक दिन ये यमुना से मिलने पहुँची और उसी दिन यमुना इनको कहें कि भैया आज के दिन आप मेरे दरवाजे आए हैं, इसलिए मैं ये आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मतलब उनके अवभगत से बहुत प्रसन्न हुए थे ये। तो यमुना ने कहा था कि मैं आपसे आशीर्वाद ये लेना चाहती हूँ कि कोई भी भाई बहन का प्रेम कभी ना छूटे और सब भाई दीर्घायु हों। तो यम जी ने ये कहा था कि ठीक है, आज के दिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी भाई अपनी बहन के घर जाके मतलब भोजन करेगा और उसकी बहन के घर जा करके उसकी सारी काम जब पहुँचेगा तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। इस तरह से भाई बहन अपने भाई की रक्षा के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं। इसीलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं
और गोबर के रूप में गोवर्धन जी के प्रतीक को बना करके इसकी पूजा करते हैं और अपने भाइयों के मंगल कामना के शुभ कामना के लिए हम लोग सदैव इस पूजा को करते रहते हैं। आज ये पर्व मतलब भाई बहन का पर्व है जिसमें बहनें सुबह से ही अजल व्रत रहती हैं पूजा करने के बाद ही, ये मतलब बहुत अच्छा व्रत होता है, इसमें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करती। माना जाता है कि बहुत पहले से ऐसी परंपरा चली आ रही है, बहनें पूजा करती व्रत रखती ताकि भाई की लंबी उम्र बनी रहे। ये बहुत अच्छा त्यौहार होता है, ये भाई बहन का त्यौहार होता है, बहनें भाई के लिए मतलब व्रत रहती हैं जब तक ये भैया दूज मतलब कुट ना लें फिर, और मतलब भाई की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। मेरा नाम नीतू गुप्ता। ये कार्यक्रम भाई के लिए बहुत महत्व के दिन होता है, गोवर्धन पूजा भी होता है और इस पूजा में भाई की लंबी आयु जो रह जाता है, भाई के लिए मनोकामना किया जाता है। बस इसी वजह से गरिमा सिंह की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। ये सारी लड़कियां अपने भाई को अच्छी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, इसमें वो गोवर्धन जी की पूजा करते बिना पानी पिए। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हमारे भाई बहुत अच्छी तरक्की करें और हम लोग गोवर्धन जी से विनती करते हैं कि वो हमारे भाई को लंबी आयु और सक्सेसफुल लाइफ दें।